नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष पर धर्म सभी साथ सनातन धर्म से विषय धर्म से ज्योतिष से जुड़े विषय इन पर बातचीत करता रहता हूँ। मैं आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर ज्योतिषीय विषय है ग्रह का परिवर्तन है बात करने जा रहा हूँ। क्या है वो परिवर्तन है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को 8:14 प्रातः आरंभ होगा तथा 12 फरवरी 2021 रात्रि 9:17 तक चलेगा। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उत्तरायण का भी आरंभ हो जाता है। उत्तरायण जो है लगभग 15-16 जुलाई तक चलता है, 6 माह का समय होता है जिसे देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि गिनी जाती है। अत्यधिक ऊर्जावान शुभ समय ये गिना जाता है, ये वो समय होगा। हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर बात कर रहे हैं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश कर। अब मैं आपके साथ तुला लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। आपका तुला लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। 7 नंबर बीच के खाने में लिब्रा अथवा तुला छपा आ रहा तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है, परंतु यदि आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर ये पढ़ देते हैं। रा री रू रे रो ता ती तू ते, ये नाम के अक्षर है। तुला लग्न में सूर्य जो है एकादश भाव के स्वामी है, परंतु इनका चतुर्थ भाव में प्रवेश हो रहा है। चतुर्थ भाव की ग्रह स्थिति अत्यधिक विचित्र प्रकार की हो रही है। क्या है वहाँ पे, गुरु वहाँ पे स्थित हैं, नीच हैं। 17 जनवरी से लेके और 14 फरवरी तक की अस्त भी रहेंगे, तो 12 फरवरी तक की हम बात कर रहे हैं इस पर अस्त रहेंगे। शुक्र ग्रह जो लग्नेश हैं 8 फरवरी से 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। शनि जो पंचमेश चतुर्थेश यानी मन और बुद्धि के स्वामी हैं, सारी एक योग कारक ग्रह हैं, ये भी 14 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में अस्त रहेंगे। तो 3 ग्रहों का अस्त होना, साथ में बुध पहले से ही भाग्य साथ में स्थित हैं, तो विचित्र प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य शनि की युति कहीं पे भी और इस कुंडली में इस लग्न में गुरु के साथ युति होना एक तनावपूर्ण ग्रह स्थिति को जन्म दे रहा है। सबसे पहले जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यदि बात करें तो स्वास्थ्य के ऊपर कहाँ असर आ रहा है, फेफड़ों के ऊपर, उधर के ऊपर यानी लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर, हृदय रोगियों के लिए सावधानी का समय विशेष करके 50 वर्ष से ऊपर की आयु पे, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको प्रेगनेंसी में ध्यान देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम गायनी सिस्टम के ऊपर नज़र रखनी है। समय थोड़ा सा विपरीत है, विटामिन डी और बी दोनों की कमी हो सकती है, नींद का कम होना, घबराहट होना, गुस्सा आना। 8 फरवरी से लेके ओवरऑल केयर आपको चाहिए होगी 8 से 12 फरवरी के बीच में। तो समय एक प्रकार से हेल्थ मैनेजमेंट का है, स्वास्थ्य जुड़े प्रबंधन का है। क्रोध नहीं करना है, डाइजेशन को बचाना है, बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है, गर्म खाना खाना है, ठंडे खाने से बचना है, रात्रि को नींद अच्छी लेनी है, प्राणायाम इत्यादि करना है, तनाव से बचना है, खुश रहने का प्रयास करें। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी का समय होगा। कैरियर में कोई भी परिवर्तन करने से बचें, नौकरी में विशेष रूप से सावधानी रखें। मीडिया से, इंजीनियरिंग से, लोहे से, सीमेंट से, प्रॉपर्टी से जुड़ा क्षेत्र है या बैंकिंग से जुड़ा क्षेत्र है तो नौकरी में सावधानी रखें, आपके विपरीत समय जा सकता है। नौकरी की तुलना में व्यापार थोड़ा शुभ रहेगा, यदि मीडिया का हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हो और कागज़ से जुड़ा हो, इंजीनियरिंग से जुड़ा हो, सट्टे से जुड़ा हो, जो बृहस्पति का क्षेत्र है उसमें जो व्यापार है उसमें तनाव हो सकता है। जैसे आप टीचर हो, हलवाई का काम हो, या शेयर मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड्स की हो, इंश्योरेंस का हो, उसमें थोड़ा तनावपूर्ण समय हो सकता है। अब आ जाते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा में तो माध्यमिक शिक्षा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके लिए थोड़ा सा विपरीत रहेगा अस्त शनि के कारण। ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी जो है उसके स्नातक के ऊपर वो समय उत्तम रहेगा, विशेष करके यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, कोई भी इंजीनियरिंग का क्षेत्र है तो उसमें शुभ रहेगा। केमिकल इंजीनियरिंग में और स्पोर्ट्स की पढ़ाई में तो अत्यधिक उत्तम रहेगा, ये पीरियड बेटर रहेगा आपको। जो है फिर भी जिस प्रकार की ग्रह स्थिति है, शांति से रहना है, फोकस यानी
कि पूरा जो है आपका ध्यान पढ़ाई पे रहना चाहिए, अनुशासन पूरा चाहिए, फोकस डिसिप्लिन और पीस ये सारा चाहिए, विटामिन्स की कमी ना हो, खान पीन पे नियंत्रण चाहिए, कमजोरी ना आपको महसूस हो, डाइजेशन अच्छा रहे यदि विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन में, अनुलोम विलोम प्राणायाम भुजंग आसन करना, इससे जो है पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण रहेगा, घुटनों पे पीठ पे दर्द इत्यादि का योग खत्म हो जाएंगे। यद्यपि विद्यार्थियों को ये सब समस्याएं नहीं होती, परंतु फिर भी थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना, तो योग इत्यादि पर ध्यान रखें। फाइनेंस की बात करें तो पैसे के लिए मंगल की स्थिति जरूर उत्तम है, तो पूरे समय कहीं ना कहीं से येन क्रेन पकरेन कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। कैरियर जो है वो इतना अच्छा नहीं चलता लग रहा है, परंतु फिर भी गुजारे लायक धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा, बेशक जीवन साथी की वजह से आ जाए, पिता के कारण आ जाए, बड़े भाई बहनों के कारण आ जाए, धन की प्राप्ति होती रही, परंतु धन को बचाएं, इन्वेस्ट ना करें, नया व्यापार ना आरम्भ करें, तारा डूबा है वैसे भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शादी विवाह रिश्ते मांगलिक हैं, कुंडली मिलाकर ही विवाह करना हो, और जो ऑलरेडी मांगलिक मैरिड हैं उनको रिश्तों पर जीवन साथी और माता में तनाव ना हो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तारा डूबा है इसलिए इसमें विवाह इत्यादि कोई सेरेमनी नहीं हो सकती, किसी भी संस्कार की मुंडन विवाह सगाई गाड़ी खरीदना गृह प्रवेश इत्यादि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उनके ऊपर विचार कर लें, निर्णय ले लें, सेरेमनीज को 5 अप्रैल के बाद में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। जीवन साथी और माता में रिश्तों से थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल डेंजरस होगा आपके लिए, बचें। उपाय क्या करें, सिर्फ मंत्र आप कर सकते हैं, इस समय कोई भी रत्न इत्यादि धारण नहीं कर सकते, शराब और मांस इत्यादि से बचना है, फिश को विशेष रूप से खाने से बचना है, मछली को शनि के मंत्र जैसे ओम प्राण प्री प्रो सा शनि नमः अथवा ओम शंख शनिश्चराय नमः, गुरु का मंत्र ओम ग्रां ग्री ग्रौ सा गुरु नमः, या गुरु के लिए गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शुक्र के मंत्र हैं, 2-3 मंत्र हैं ऐसे ओम द्रा द्री द्रौ सा शुक्राय नमः अथवा ओम ऐं सरस्वते नमः अथवा ओम नमः भगवते वासुदेव, इन मंत्रों को जाप करते रहें। अब कुछ दिन ऐसे हैं माह में जिनके ऊपर महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं या ना लें, वो तारीखें क्या है, जैसे 14 जनवरी को तनाव रह सकता है, सुस्ती रहती है, घबराहट हो सकती है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। रात को जो है खान पीन के ऊपर नियंत्रण रखें, यदि आयु अधिक है तो इसमें यदि घबराहट इत्यादि होती है तो चिकित्सक से संपर्क में रहें। हृदय रोगियों को और लीवर न्यूरो के रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना है। उसके बाद 15 से 17 तारीख बिल्कुल ठीक है, 18 से 19 भी थोड़ा सा घुटने और पेट की गड़बड़ का है, परंतु इस पर खर्चा इत्यादि नहीं करना, लोन इत्यादि से बचना है। 20 से 22 जीवन साथी प्रेम इत्यादि के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, और यदि पहले कोई नया व्यापार आरंभ किया उसके शुभता के लिए अच्छा है। और 23 से 24 तारीख इसमें भी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं लाने हैं, शेयर मार्केट सट्टे में सावधानी से निवेश करना है, बचना है हो सके तो। 25 से 27 में धार्मिक स्थलों की यात्रा का है, 28 से 29 में कार्य क्षेत्र में शुभ है, 30 से 31 के बीच में जो है कई प्रकार के लाभ हैं, जीवन साथी से या माता पिता से कहीं ना कहीं से धन के योग बनते हैं। 1 से 2 फरवरी को आपने किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल देना है। 3 से 4 फरवरी जो है धन प्रेम संबंधों विवाह इन सभी कार्यों में शुभ है। 5 से 7 तारीख को शेयर मार्केट सट्टे से बचे, चंद्र नीचे, गलत स्पेकुलेशन हो सकती है। 8 से 9 फरवरी जो है धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है, नए मित्रों से आपका सामना हो सकता है जो कि शुभ है। उसके बाद 10 से 12 फरवरी को भी कोई भी निर्णय ना लें, जैसा चल रहा है यथास्थिति बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।